कीर्ति की हो गई है शॉकिंग डेथ, जिसकी वजह से अब रुनक्ष ने तोड़ दी है नायरा से सारा रिश्ता। इल्जाम लगाया है नायरा कार्तिक पर। स्टार प्लस का सबसे ज्यादा सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग डेली सो भी रिश्ता कहलाता है बेचारा है मेजर ड्रामा। सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न, क्योंकि नायरा का नाइटमेयर सच हो गया है। आपको बता दें कि नायरा और कार्तिक बिग बोन के लिए बाहर जाते हैं, तभी वहां उन्हें कीर्ति ज्वाइन कर लेती है। हालांकि नक्श यहां पर एक काम के चलते बिजी है जो इन्हें बाद में ज्वाइन करने वाला है, जिसकी वजह से कीर्ति इन दोनों के साथ आ जाती है। आपको बता दें कि यहां पे भले ही कीर्ति और कार्तिक दोनों ही नायरा को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार नायरा को अपने नाइटमेयर अपने उस काले सच के फ्लैशेस आने लगते हैं, जिसके चलते वो घबराई और डरी सहमी सी नजर आती है। हालांकि नायरा का ये नाइटमेयर सच हो जाता है, पर नायरा के लिए नहीं बल्कि कीर्ति के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक एक्सीडेंट होता है जिसमें कीर्ति की डेथ हो जाती है। कीर्ति की बेहद ही बुरी तरीके से मौत होती है। आपको बता दें कि वही एंड मौके पर जब लक्ष्य पहुंचता है तो उसके हाथों में कीर्ति की डेथ बॉडी होती है। हालांकि वो उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागता है, जिसके बाद एक आखिरी उम्मीद पहुंचती है, वो है कीर्ति की सांसें फिर से चुने लेती है। हालांकि यहाँ पर कीर्ति की सांसें ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती। डॉक्टर कीर्ति को नहीं बल्कि उसके बच्चों को बचा लेती है। कीर्ति की मौत हो जाती है, जिसके चलते कीर्ति ने जाते जाते भी अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारियां नायरा को सौंप दी है। हालांकि यहाँ पर नक्श नायरा और कार्तिक दोनों से ही काफी नाराज है, इसलिए वो नायरा से अपने सारे रिश्ते तोड़ता है और उसे सिंघानिया के साथ से अलग कर देता है। मतलब देखना काफी दिलचस्प होगा कि नायरा और कार्तिक किस तरह से नक्श को मनाते हैं और कैसे अपनी इस बेहद ही बड़ी गलती को जो उन्होंने की ही नहीं है उसे सुधारते हैं। शो में आगे क्या होता है देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो शो से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।